अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो, हिंदी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आंसर दिए जाएंगे बिल्कुल ट्रू आंसर दिए जाएंगे। यह प्रश्न पत्र सेट मेरे पास ये है, आपका कोई भी सेट हो इनसे कोई लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप अपने सभी क्वेश्चन का आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, इनका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा भारत में। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कैसे करेंगे, जैसे पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो आप अपने क्वेश्चन में खोजिए कि पराजय कितने नंबर के क्वेश्चन में है, और जिसमें हम टिक करेंगे उसी में आप लोग टिक करते जाइए। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा परा। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा कालिदास। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है। देखिए शुद्ध वाक्य तो यहाँ पर है कि राम ने पुस्तक खरीदा, चूँकि पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है तो इसलिए खरीदा तो ये अशुद्ध हो गया, राम पुस्तक खरीदा ये भी अशुद्ध है, राम ने पुस्तक खरीदी ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के जो लेखक है गुणाकर मूल्य हैं, तो 7 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, कह रहे कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर था, तो 8 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी, आंसर हो गया दिल बहादुर। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं, कह रहे कि परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वो आपको हो गया 5 किलो आटा, 4 किलो दही, ये थोड़ा सा। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, थोड़ा सा, ये परिमाणवाचक विशेषण है। 9 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, आंसर हो गया थोड़ा सा। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 10, कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो देखिए जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उन्हीं के लिए आवश्यक है। तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अब अगले हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, कह रहा है कि एवेन्यू किस नदी पर स्थित है। एवेन्यू किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा रोन नदी पर। अब हम अगला ऑब्जेक्टिव जानते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 12, कह रहा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में निम्न वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ऑप्शन ए होगा। तो 12 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वह एक नर्तक के रूप में है। तो 13 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा नर्तक के रूप में। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहा है कि भववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भववाचक संज्ञा का जो उदाहरण होगा वो होगा आपको सर्दी, सर्दी भववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन ए, हृदय की शिक्षा। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी के पिता का जो नाम था करमचंद गांधी था। तो 16 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे हैं कि राजगिरी में कौन समास है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा तत्पुरुष। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो मैं निम्नलिखित में सर्वनाम है, ऑप्शन सी ये सही होगा मैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा निर्गुण भक्ति धारा के। अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा ब्रजभूमि। अब अगले ऑब्जेक्टिव 21 नंबर की बात करें, तो कह रहा है कि शुद्ध शब्द है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा प्रकृति, ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, कह रहे कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा परि। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव 23 की बात करें, कह रहे कि हाथ खाली होने मुहावरा का क्या अर्थ है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा पास न होना, पैसा ना होना।
पास पैसा न होना, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड है कि अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा अब। अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा जापान। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि मेरे बिना तुम पढ़ो, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा डी ऑप्शन, आंसर होगा धर्मवीर भारती। मेरे बिना तुम पढ़ो का जो हिंदी रूपांतर धर्म भारती ने किया है, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कह रहे कि कुंवर नारायण कवि हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा नगर संवेदना के। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे कि सेनापति में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन आपको हो गया बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि मित्र शब्द का भववाचक संज्ञा रूप है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा मित्रता। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे हैं कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात, किस पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा स्वदेशी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो ये सवैया छंद में सिद्ध थे, तो इसका ऑप्शन होगा आपको ए सवैया छंद। अब अगला ऑब्जेक्टिव है कौड़े कि अमराई का कुआं कहाँ है, तो इनका जो है कि जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला ऑब्जेक्टिव है कौड़ा है कि पापत्ति की उम्र क्या थी, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 12 वर्ष। अगला ऑब्जेक्टिव है कि कौड़े कि सीता रुवासी क्यों हो गई, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा बेटों के दूतकार से। अब अगला ऑब्जेक्टिव है कौर है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो माँ की मार के कारण भागा था बहादुर, इसलिए 36 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा माँ के मार के कारण। अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कौर है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो ये कथक शैली के नर्तक है, ऑप्शन डी होगा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कौर है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 16 जनवरी 1941 में। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, कह रहा है कि विल नब क्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा एक छोटा सा गांव है विल नब। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव 40 नंबर की बात करें, कह रहा है कि हमारी नींद कविता कहां से ली गई है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा दुष्चक्र में सृष्टा से। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा सुधा। अब अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा कमू। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे कि सात कोड़ी होता है कथाकार है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा उड़िया के। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा तैयार होना। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, ऑब्जेक्टिव नंबर 45 कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 1915 ईस्वी में। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, 46 नंबर का कह रहे हैं कि मछली लेकर कौन भाग गया, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा संतु। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा देवनागरी लिपि। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम 48 नंबर की बात कर ले, तो कह रहे कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा शंभू महाराज। अब अगले हम ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहा है कि जारशाही कहाँ थी, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा रूस में जारशाही शासन व्यवस्था थी, तो 49 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा सरहपात की। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे हैं कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा महात्मा गांधी की। अब अगले हम ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा भाषण। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, मैक्स मूलर को वेदांतियों की वेदांति किसने कहा, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, कह रहे कि दधीची का हड्डी
से क्या बना ले 55 नंबर की कड़ा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले कह रहे हैं कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा मैक्स मूलर ने। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले कह रहे हैं कि मगमा को किससे विवाद था, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा बहुत से। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव 58 नंबर की बात करें कह रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा लक्ष्मण। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कह रहे कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा देवी। अगले ऑब्जेक्टिव हम 60 नंबर अंतिम ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो कह रहा है कि पापती क्यों बेहोश पड़ी थी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा तेज बुखार के कारण। तो रेस्ट बचे सब्जेक्ट का आंसर की जानने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।